वालेकुम। तो क्या चल है आपका? खैर खैरियत से होंगे। तो ये जो आप एरिया दिखा रहे हैं फेस्टिवल के फेस्टिवल वॉक है। तो ये लेक के साथ बना हुआ है, वो लाइब्रेरी है जिसकी पूरी लेक है। यहाँ पे शिपें घूमती हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे जाके ब्रिज होता हुआ वो जो बिल्डिंग ब्लू कलर की दिख रही है वहाँ तक ये वॉक होती ही जाती है। तो मेरा भी प्लान है वहीं तक वॉक करूँगा उस बिल्डिंग तक। तो फिर वॉक स्टार्ट करते हैं। तो अगर कुछ बीच में आता है तो मैं आपको तो दिखा दूंगा। वो बीच है फेस्टिवल, दुबई फेस्टिवल मॉल है और ये बड़ा जबरदस्त होटल है, पियर होटल है पार्क कॉन्टिनेंटल। तो ये वहाँ पे शिपें बन रही हैं, जदाफ का एरिया कहलाता है। यहाँ पे शिपें मरीन एरिया है, शिपें बन रही होती हैं। तो वो कब्बा बैठा हुआ है डंडे ले। तो ठीक है, मैं अब आगे जाके आपको फिर और बना के दिखाता हूँ। ये देखें सारी लेक है, वॉकिंग कर रहे हैं फेस्टिवल वे में ना, तो उसके साथ ये इसकी लेक बनी हुई है। तो उसके अंदर मछलियाँ भी हैं, शिपें भी आती हैं यहाँ से, उस साइड से आती हैं दुबई, मेन दुबई से। तो ये देखें सारा वॉक करते हुए पीछे से आया हूँ मैं। तो ये सारा वॉक करते हुए आगे जा रहा हूँ। तो ये देखें सारा तो ब्रिज के नीचे से फिर बनाता हूँ। वो ये ब्रिज है, अंडर द ब्रिज देखें, इस तरीके से ब्रिज के अंदर से जा रहे हैं। ऊपर हाईवे अल खेल रोड, इस तरीके से ये ब्रिज बना हुआ है, ये आप देख। और यहाँ पे वॉक कर सकते हैं इसके अंडर ब्रिज में। टू ब्रिज हैं बड़े बड़े, तो ये आप वॉक कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो इस तरीके ये बना हुआ ब्रिज, ये मिडिल ऑफ द ब्रिज है, इस तरफ टर्न ले रहा है। तो बंदा भी वॉक करके आ रहा है वहाँ से वॉक में। तो ये इस तरीके से आप वॉक कर सकते हैं ब्रिज में, ऐसा वॉकिंग एरिया है ब्रिज का। ये बिल्डिंग सारी ये होटल है सारे उस तरफ, उस तरफ जो है वो जदाफ का एरिया है। और ये जो है ये फेस्टिवल का एरिया है, लेफ्ट साइड पे जदाफ है पानी के उस तरफ, और इस तरफ जब मैं जिसमें वॉक कर रहा हूँ वो है। तो ये यहाँ पर वॉक कर सकते हैं आप आके। तो मैं आपको आगे जाके फिर वो बीच भी बनाया हुआ छोटा सा वॉकिंग बीच, वो मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अंदर से ब्रिज के देखें, वो दुबई हार्बर छोटा सा जो वॉकिंग पे बीच बनाया हुआ है, वो सामने देखिए वो तैराकी कर रहे हैं वो लोग, कुछ तो फास्ट बोटिंग होती है ना। तो ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है, सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, बैठ भी सकते हैं इधर, बेंच बनाई हुई। तो ये यहाँ का छोटा सा बीच इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब ये आर्टिफिशियल बीच है, प्रॉपर लहरें वहरें तो कुछ नहीं आती। कभी कभी बोट गुजरती है ना वहाँ से, तो फिर उसकी लहर बनती है वो आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। ये होटल वालों के लिए भी बनाया हुआ है और फेस्टिवल में जो वॉक करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बनाया हुआ है। तो ये इस तरीके से इन्होंने बना के रखा है। तो ये आ सकते हैं आप वॉक करने आए, यहाँ पे वॉक का एरिया। तो वेदर अच्छी होगी तो और मज़ा आएगा, अगर वेदर गर्म होगी तो पसीना आएगा, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो ये देखें स्मॉल स्मॉल रेस्टोरेंट बनाया गया इधर, ये देखें स्मॉल रेस्टोरेंट, ये बीच टाइप का बनाया हुआ है। लेकिन ये बीच का तो आपको इन्वायरमेंट नहीं देगा, मतलब टच नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे स्मेल भी आ रही है, स्टिल वाटर है ना थोड़ा सा, तो पानी की स्मेल भी है। आई थिंक नहा भी नहीं सकते इस पानी में आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग मुश्किल हो जाएगा। तो ये है सारा। तो ये देखिए पार्किंग बनाई भी यहाँ के, पार्क करके यहाँ पे भी आके डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन होटल की पार्किंग है, होटल वालों की पार्किंग है, व्यू करने वालों की भी पार्किंग है, लेकिन बस ये रास्ता भी बनाया हुआ है। ये देखें ये पूरा
एंट्रेंस बनाया है, सीढ़ियाँ अपना कहीं बैठने की जगह, उस साइड में पार्किंग है इस साइड में। लेकिन ये कोई मतलब बहुत अच्छा प्लेस नहीं है, बस ऐसे टाइम पास, रात को लाइटें वाइटें ऑन हो जाती हैं तो अच्छा लुक आता होगा। तो उधर से वॉक करते हुए आए हम लोग पीछे से, तो ये है सारा ये होटल है। और यहाँ पे वो नहीं दिखाया कि मतलब वो छोटी छोटी बाइकें जो होती हैं वो देखे भी चला सकते हैं आप, वॉशरूम भी बनाए। ठीक है, मैं आगे जाके फिर बनाता हूँ। ये सारी जगहें से मैं गुजर गया हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है जगह, वहाँ से वॉक करके आया हूँ मैं, वो फेस्टिवल दिख रहा है बिल्डिंग वहाँ से। तो ये देखिए, ये सामने जराफ का भी है, ये जराफ का भी है, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, आगे जाके इन्होंने बंद हो गया है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आगे अभी तो कंस्ट्रक्शन जो होनी है वो हो ही नहीं है, अभी होगी लेकिन अभी तक हुई नहीं है कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं लास्ट टाइम आया था तो बंद, अभी भी बंद ही होगा मेरे ख्याल में, कुछ उन्होंने बनाया नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँ उस साइड पे आपको दिखाऊँ, जदाफ का जो है ना ये वॉकिंग का एरिया, उस साइड पे वो बोट जहाँ पे खड़ी हुई है वो, तो देखिए उस साइड पे बोट खड़ी है वो उधर, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी पीछे साइकिल वाला आ रहा है, आगे तो बंद है, घूम के वापस जाएगा। तो ये देखें यहाँ से घूम के यूँ करके यूँ वापस आएगा, मैं भी वहीं से घूम के वापस आता हूँ। तो ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंड है, आपको एंड दिखा देता हूँ यहाँ का वॉकिंग का। तो ये जाके यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये देखें ये एंड होने वाला, ये एंड हो गया यहाँ पे, खलास हो गया। तो आगे जो है इन्होंने ये तो कुछ भी नहीं बनाया, तो आगे फ्यूचर में ये लोग खुद एक्सपेंड कर सकते हैं सीरी को, तो कर देंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बनाया। लेकिन ख़त्म हो गया, हमें ये ख़त्म हो गया। तो उस तरफ जो है ये सीधा जो रोड जा रहा है ये सारा था वहाँ जाएगा, डेरा जाएगा वहाँ पे, डेरा पर्दो भाई। और ये सामने जदाफ है आपका, वो हम फेस्टिवल से वॉक करके आए हैं। ये सारा ये एंड है यहाँ पे, देखिए सारा ये एंड हो गया। तो इस तरीके से है, अभी पानी के अंदर जाता सीधा मैं, और ये सारा होटल है। पसीना जो है मेरे मुंह में जा रहा है बहता, कि सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी तो होती है ना यहाँ पे, जून जुलाई में तो बड़ी हाई क्लास की गर्मी होती है। ये अपलोड करते करते अगस्त सितंबर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये मैंने जून में बनाई है वीडियो, तो बस मैं लेट ही डालता हूँ। तो ये आप देख लेंगे, ये देख लिया ना, ये कौन है बस, ये टाइटैनिक वाला पोस्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे हाथ उठा के। ये सारा होटल है, वो सारा वो बीच है, मैंने बताया आर्टिफिशियल बीच है, वहाँ से वॉक करके आए, वो ब्रिज के नीचे से ना, वो फेस्टिवल है, और वो फेस्टिवल सिटी है वो। ये जदाफ का एरिया, जदाफ है सारा, ये सारा जदाफ है पूरा। और वहाँ दुबई वो है डेरा पर दुबई, उस तरफ इस पानी में सीधे सीधे जाएंगे, वो क्रीक पार्क है वहाँ पे, सीधे सीधे जाएंगे फिर आगे जाके, फिर वो बरदुबई और डेरा आ जाएगा इसी पानी पर सीधा सीधा। तो इस तरीके से है ये, मैंने आपको बना के दिखा दिए, सही है, बाकी आप होते ये बना के मैंने आपको दिखा दिया, ये मैं खड़ा हूँ तो इस जगह पे फाइनल टच दे रहा हूँ वीडियो को, तो सही है, बाकी इन्जॉय करें।